साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल में। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, सबसे पहले ये बात जानें। जो हमारे बॉडी में इम्बेलेंसेस होते हैं उसको हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हैंडल नहीं कर पाता है और उसका कारण होता है हमारे शरीर में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स। जब हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं तो हमारे बॉडी का इम्बेलेंस हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम उसको हैंडल नहीं कर पाता है। सीधी बात है। अब फ्री रेडिकल्स क्या हैं? जब हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन का जब पाचन होता है तो उस पाचन क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान कुछ हमारे शरीर के मॉलिक्यूल्स के एटम, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज हो जाते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए बगल वाले सेल्स से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और बगल वाले सेल्स को डैमेज कर देते हैं। इस प्रकार से एक चेन रिएक्शन चालू हो जाती है और ये इतनी खतरनाक और तेज़ गति से बढ़ती है कि इससे डीएनए तक प्रभावित होता है। जब डीएनए प्रभावित होता है तो शरीर कैंसर की ओर बढ़ता है। जब फ्री रेडिकल्स की संख्या शरीर में बढ़ जाती है तो हमको थकान लगती है, हमारा मोटापा बढ़ने लगता है, हमको डायबिटीज़ हो जाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और हमको न्यूरोडिजनरेटिव डिसीज़ भी होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ हमारे कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हृदय रोग भी की भी शुरुआत हो जाती है। तो ये फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये कि भोजन की प्रक्रिया नेचुरल है, भोजन का डाइजेशन होता है, उसमें जो ऑक्सीडेशन होता है वो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। दूसरा जो तत्व है वो है कि हम भोजन में कुछ इस प्रकार के पदार्थ खा रहे हैं कि जिससे हमारी पाचन क्रिया में जो ऑक्सीडेशन है उससे फ्री रेडिकल पैदा हो रहे हैं। तो अधिक मांस का उपयोग करना है ना, फैटी चीज़ों का, प्लस यदि हम किसी पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में, प्रदूषण वाले जगह में सांस ले रहे हैं तब भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो किस प्रकार से दूर किए जाएं? तो मेडिकल साइंस में तो डॉक्टर्स लोग बताते ही हैं कि भाई एंटीऑक्सीडेंट लीजिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया। फ्री रेडिकल मतलब हमारे मॉलिक्यूल के एटम का, शरीर के सेल्स का, उसका ऑक्सीडेशन हो गया है, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल करके हट गया है और वो डैमेज हो गया। तो कुल मिलाकर के फ्री रेडिकल का मतलब यह है कि देयर इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम विच इज़ फ्री रेडिकल। तो जो फ्री रेडिकल है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी को डॉक्टर्स लोग तो एंटीऑक्सीडेंट दे करके पूरा करते हैं कि आप ग्रीन टी पीजिए, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें लीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज आल्सो ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो हमको क्या करना है? अब हमको ये करना है कि अधिक से अधिक हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेवन हमको करना है। तो तीन मुख्य बातें यहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करने की है, जिससे कि हम बहुत सारी अनेक बीमारियों से बच सकते हैं, इवन कैंसर से भी बच सकते हैं। तो पहला स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने भोजन में प्रतिदिन 500 ग्राम फ्रूट्स और 500 ग्राम कच्चा वेजिटेबल का सलाद अनिवार्य रूप से शामिल करें। लंच और डिनर में 250-250 ग्राम सलाद खाना खाने के पहले, लंच के, डिनर के पहले, जस्ट पहले, ऐसा नहीं कि आधा घंटा एक घंटा पहले खा लिया, जब आप खाना खाने बैठे पहले 250-300 ग्राम सलाद खाइए और उसके बाद अपना जो भी भोजन करना वो करिए। और इसी प्रकार से दिन में 500 ग्राम फ्रूट्स आपको कंज्यूम करना है। इन दोनों चीज़ों से, दिस इज़ द हाई न्यूट्रिएंट डाइट, और इस हाई न्यूट्रिएंट डाइट से हमको इतना एंटीऑक्सीडेंट भोजन मिल जाता है कि वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है और हमारा इम्यून सिस्टम फ्री रेडिकल्स को हैंडल करने के लिए, ना ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, फ्री रेडिकल्स को हैंडल करने के लिए पर्याप्त होता है। दूसरा स्टेप बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था उसमें भी बताया है, उसमें बहुत डिटेल में बताया कि किस प्रकार से हमारा फ्री रेडिकल रिमूव होता है और हमको बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। वो वीडियो का नाम ही यही है कि गेट एंटीऑक्सीडेंट फ्री ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार से फ्री में मिले। हम क्या करते हैं कि कहीं भी जाते हैं, घर में भी रहते हैं, तो हम घर में रहेंगे तो स्लीपर पहन के रहेंगे, बाहर जाएंगे तो जूते पहन के जाएंगे। हमारे पृथ्वी में इनफाइनाइट चार्जेस हैं, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारी पृथ्वी का जो पोटेंशियल है वो जीरो पोटेंशियल है। यदि हम नंगे पैर 3 से 4 घंटे व्यतीत करते हैं और पृथ्वी के संपर्क में रहते हैं तो बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम्स फ्रॉम अर्थ टू आवर बॉडी, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी में से हमारे शरीर में आएंगे यदि नंगे पैर रहेंगे तो। घर में भी यदि हमने स्लीपर उतार दी और हम फर्श पे भी चल रहे हैं तो भी दैट इज़ आल्सो बेनिफिशियल। और इस प्रकार से कच्ची ज़मीन पर, घास पर, इस पर चलने से हम सीधे पृथ्वी के संपर्क में आते हैं और
उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे शरीर में आकर के हमारे फ्री रेडिकल्स के इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करते हैं और वो फिर स्वस्थ एटम के रूप में फिर हमारे शरीर में विद्यमान हो जाता है और इस प्रकार से हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समाप्त कर सकते हैं बिना किसी कोई पदार्थ का है। तो ये दूसरा तरीका है कि हम हमारे शरीर को पृथ्वी के संपर्क में लाएँ और पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लें और फ्री रेडिकल को रिमूव करें। और तीसरा तरीका है कि हम कम से कम रोज़ाना 30 मिनट एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि हमारे ब्लड का फ्लो बॉडी में थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन इज़ ए वेरी गुड कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट। हमारे जो शरीर में जो खाना खाते हैं और जो न्यूट्रिएंट रहता है पदार्थ में खाने में उसको हमारे सेल्स तक पहुँचाने में हमारे ब्लड की ऑक्सीजन बहुत ही चमत्कारी तरह से काम करती है। तो यदि हम न्यूट्रिएंट को हमारे सेल्स तक आसानी से पहुंचा पाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने के लिए हमारा शरीर सक्षम होगा। तो इस प्रकार से ये तीन तरीके हैं।